अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पर यह जानकारी निकल कर आई है। वीडियो शेयर करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक। दरअसल हाईकोर्ट ने YouTube, Facebook और X को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को भी नोटिस भेजा है। तो ये बड़ी जानकारी है, अदालती कार्यवाही की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। इसी बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, जरा इस खबर पर अपडेट दीजिएगा। देखिए पलक, बेंगलोर एडवोकेट एसोसिएशन ने इस संदर्भ में कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट से डायरेक्शन की मांग की थी कि जिस तरह से अदालती कार्रवाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जो है वो जारी किए हैं। अदालती कार्रवाई का जो भी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो जो शेयर करता है यूजर्स, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी व्यक्ति अदालत कार्रवाई का जो वीडियो है ना ही वो अपलोड कर सकता है ना ही इसे शेयर कर सकता है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने YouTube, Facebook और X को इस संदर्भ में नोटिस निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो शेयर होते हैं, जो प्राइवेट पर्सन जो शेयर करते हैं, उस पर सख्ती से निपटा जाए और शेयर ना किया जाए। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में जस्टिस हेमंत की जो बेंच थी उसने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को अपने चैनलों पर अपलोड किए वीडियो को हटाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कोर्ट ने कहा है कि ठंड की जो छुट्टी है उसके बाद हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो ये अंतरिम आदेश है पलक, यानी कि कोई भी जो प्राइवेट पर्सन है, कोई भी जो सोशल मीडिया यूजर है, वो अब अदालती कार्रवाई का जो वीडियो है ना ही अपलोड कर पाएंगे ना ही इसे शेयर कर पाएंगे। ये सीधे तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में साफ कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए।